हाँ जी सत श्री अकाल बच्चो, अज तुहाडे लई पेपर लैके आया तीजी क्लास का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहले पेपर थोड़े सोने गए होंगे। ठीक है, आप पेपर की चंगी तरह तैयारी करो, इंग्लिश का है। ठीक है, ये सब तो पहला तुहानू दिता होगा कॉम्प्रीहेंसिव पैरा। कॉम्प्रीहेंसिव पैरा दे क्वेश्चन लभ के करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिता है आपू, वट डिड द रैबिट सी, रैबिट ने की देखा। ये क्वेश्चन का आंसर हैगा रैबिट ने हंटर देखा। ठीक है ना, रास्ते में देखो वन डे रैबिट सॉ ए हंटर। नैक्सट है, वेयर वाज द हंटर डिगिंग ए पिट, हंटर कितने पिट पट रहा है। देखो पिट मतलब टोआ, डिगिंग ए पिट ऑन द बीयर कैप। ठीक है, नियर द ऑन द वे टू बीयर इज कैप। अगला है गुफा नेड़े, बीयर की गुफा नेड़े पट रहा है। हू वेंट क्विकली टू टैल हिज फ्रेंड, कौन गया सी तेजी नाल भज के उन्हें दसन लई, रैबिट। अपने लैसन दे विचों ही है। चूज़ द करैक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर द रैबिट एंड ए बीयर, इतने आएगा दे। ठीक है, दे यूज़ करांगे दोनों लई। अगे आ गया चूज़ द प्लूअर, प्लूअर इन्हां विचों कि लीव्स, बाकी सारे की ने सिंगर। नैक्सट है आप पिक्चर देख के दे आंसर करने हैं। इन द पिक्चर गर्ल इज इंजॉइंग, की इंजॉय कर रही है गर्ल, स्विंग पिंक इंस्टीट्यूट लै रही है। वट डू यू सी इन द स्काई, स्काई विच की दिख रहा है आपू, क्लाउड्स सन बर्ड्स। देखो आपू सन भी दिख रहा है, बटरफ्लाई भी दिख रही है, क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, सारा कुछ दिख रहा है ना, बर्ड्स भी दिख रहे हैं। देखो बर्ड भी है। सो आप आंसर की लिखांगे ऑल ऑफ अबव। नैक्सट है चूज़ द इनकोरैक्ट सेंटेंस, द गर्ल इज इंजॉइंग ए स्विंग, सही है। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, वो भी सही है। देयर इज ए बटरफ्लाई, ये गलत है। ये आएगा देयर आर बटरफ्लाइज। ठीक है, आर देयर नाल हमेशा आर होंदा है। नैक्सट हैगा पुत, द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, अगला हैगा चूज द ऑपोजिट ऑफ डर्टी, डर्टी का ऑपोजिट आएगा क्लीन, डर्टी गंदा होंदा है ना, क्लीन साफ। अगे आ गया आपां नूं ग्रेड दिता, इहदे विचों आपां लभना है, इहदे विच है ईयर। ठीक है, बी ऑप्शन ईयर। नैक्सट है चूज़ द ऑड वन, देखो इहदे विच है आंट, ग्रैंड मदर, डॉटर, ये सारे रिलेशन ने, ते नर्स की है प्रोफेशन, सो नर्स ऑड हो गया। आपां साइलेंट लैटर निकलना है अगे, ग्रास लाइट ब्राउन ट्री, इहदे विच लाइट, इहदे विच जी साइलेंट है। अगे है चूज़ द करैक्ट स्पैलिंग, फैमिली का करैक्ट स्पैलिंग की है बी। नैक्सट है चूज़ द करैक्ट स्टेटमेंट, ही टीथ हिज ब्रश्ड नैवर, नो ही ब्रश्ड नैवर हिज टीथ, ही नैवर ब्रश्ड हिज टीथ, सी ऑप्शन सही है। अगला है चूज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड हैगा ये, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्लावर्स आ जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। नैक्सट आ गया इनकरैक्ट ऑप्शन, इनकरैक्ट ऑप्शन देखो लीव, लीव नाल एस नहीं लगेगी, ये बनता है ये नाल वी ई एस लगेगा। ओके, ये गलत है। नैक्सट हैगा चूज़ द आर्टिकल, आर्टिकल लिखना है आपां, इट इज़ ए कंप्यूटर, ए लगेगा ये नाल। अगे है चूज़ द करैक्ट स्टेटमेंट, देखो बच्चे ये ना तीन स्टेटमेंट करैक्ट है तो एक इनकोरैक्ट, यदा मतलब इतने प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछना सी इन्होंने, ये बी ऑप्शन है इनकरैक्ट। यू वाज टेकिंग रैसट, इतने आना यू वर टेकिंग रैसट, क्योंकि यू ना हमेशा वर आता है। ठीक है, अगला हैगा विच इज़ नॉट ए नाउन, नाउन की नहीं हैगा, लेट। अगला क्वेश्चन आ गया अपने को बुक विच, जो क्वेश्चन दिते होंगे उन्होंने आंसर। पहला क्वेश्चन है वट इज़ कोमल डूइंग, कोमल की कर रही थी, आओ। हाँ जी, इसका आंसर है कोमल इज इंजॉइंग स्विंग, कोमल स्विंग से झूठे लै रही थी, या पिंग से झूठे लै रही थी, या पिंग इंजॉय कर रही थी। ठीक है ना, अगला है दूजा क्वेश्चन है हू लाइक द कैरेट, कैरेट किसनों पसंद सी। हाँ जी, इसका आंसर है, आंसर है ए रैबिट लाइक्स द कैरेट। ठीक है, कैरेट रैबिट नू पसंद सी, मीनस खरगोश नू पसंद सी, तुसीं इहदे स्क्रीनशॉट लै लियो। ठीक है, तुहानूं ईजी हो जाएगा। अगला है, हाँ जी, इस तो अगे है हू वाज लेट फॉर स्कूल, स्कूल लई लेट कौन हो गया सी। हाँ जी, इसका आंसर है अनमोल इज लेट फॉर स्कूल, स्कूल ले कौन लेट होया सी, अनमोल। ठीक है, इस तो अगे है वट गोज हाई एंड लो, हाई ते लो कौन जा रहा सी की। हाँ जी, इसका आंसर है वट डज गोज, वट गोज हाई एंड लो, ये आंसर है स्विंग गोज हो ला हो, स्विंग गोज हाई एंड लो। ठीक है ना,
स्विंग हाई ते लो जा रहा है। नैक्सट हैगा इस तो अगे दिता हुआ आपां नूं वेयर इज शीना गोइंग, शीना कित्थे जा रही, इसका आंसर दिता है आपां नूं शीना इज गोइंग टू मार्केट, शीना मार्केट जा। हाँ जी ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चों। नैक्सट हैगा हू आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहे सीगे, ये छेवां क्वेश्चन इन्हां विचों पांच करने आ, ये भी आपां देखदे। हाँ जी ये क्वेश्चन है हू आर प्लेइंग फुटबॉल, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है सम चिल्ड्रन लिखना है, बाकी सारा तो क्वेश्चन जो ही आ जाना है, सम चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। इस तो बाद आ गया राइट द नेम्स ऑफ वैजीटेबल, वैजीटेबल्स के नेम लिखने हैं बच्चों, पांच वैजीटेबल के नेम। हाँ जी ये दिते हुए देखो रेडिश, पोटैटो, टमैटो, स्पिनेच, ठीक है ये तुसी लिख लियो। इस तो अगे दिता है राइट एनी टू सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर, आपां पिक्चर दे दो सेंटेंस लिखने हैं, ये देखो ये पार्क की पिक्चर है, तुसी लिख देना है सिंपल लिखो दिस इज ए पार्क, ठीक है ये पार्क है ना, ते दूसरी लाइन दे विच की लिखोगे चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है सम एस ओ एम ई सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है बच्चों ये दो लाइना हो जाएगियाँ। नैक्सट हैगा अपने को अपनी माई सैल्फ के बारे आप ऐसे लिखना है इतने माई नेम इज़ जो भी तुहाडा नाम है लाइक कोमल, ठीक माई फादर नेम इज़ फादर नेम लिख दो जिदा राम सिंह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नैक्सट है माई मदर नेम लिख दियो, आई रीड इन आप लिख देना है थर्ड क्लास, ठीक है थर्ड क्लास आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। ओके बच्चों ये तुहाडा पूरा पेपर हो गया अपना इंग्लिश का, अच्छी तरह करके आयो, चंगी तरह करके आयो बच्चो, ठीक है तो ताकि आप पूरे बटा पूरे नंबर लै लीए। ओके बच्चो तो चैनल में सबसक्राइब करो, अगे भी तुहानू इदां दी होर वीडियोज़ मिलनगियाँ जो थोड़े लिए पूरी हेल्पफुल होनगियाँ। धन्यवाद।